ये कुछ सड़क छाप यहाँ पर लड़के खड़े हैं, एक मिनट इनके मुंह पर, क्या मसला है? इंटरव्यू, क्या इंटरव्यू देखने आया, पता चला जी किस पीछे से बकवास क्या की तुमने? मैं तुम्हारे मुंह पे ना, ये है पंजाब पुलिस के होनहार नौजवान जो हमारे रखवाले बने हुए हैं, औरतों के खिलाफ हरासमेंट को रोकते हैं, लेकिन ये खुद लड़कियां छेड़े हैं। इनकी नंबर प्लेट देखें आप, आपको क्लियरली दिख जाएगा ये पंजाब पुलिस है। अब बोलिएगा आप, ये कुत्ते हैं। हमारी तो बड़ी अहमियत है, हमारा पाकिस्तान मुल्क है, वो मोदी की इतनी अहमियत नहीं जो पाकिस्तान आ सके, उसके साले की इतनी औकात है जो पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को इसका, पाकिस्तान उसको इस काबिल समझता ही नहीं है। तो दावतनामा तो हमने भिजवाया है ना, मोदी को तो इस काबिल समझता ही नहीं है। अगर इस काबिल हो मोदी तो अपने ही मुल्क में सही ना हो जाए, उसके अपने मुल्क में देखो कितनी कत्लो गारत हो रही है। वहाँ पे आप देखो ना, रोज मैं देखता हूँ कि इंडिया में इतने बंदे कत्ल हो गए, मर गए, बांग्लादेश में उसने कैनवस का जो है हसीना वाजी ने जो काम किया, और उसने नरेंद्र मोदी बगैरत ने उसको पनाह दी है वहाँ पे पाकिस्तान के। असल में एक तो मोदी साहब जब से आए हैं ना, ये इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी यानी डैमेज है, सही नहीं है। दूसरा, हद से ज़्यादा उनमें मुतसबाजी है हिंदू, और क्योंकि मैं खुद मस्कत में 14 साल काम किया है इंडियन लोगों में, लेकिन बहुत ज़्यादा मुतसब रखते हैं पाकिस्तान के बारे में वो। और नंबर दो, मोदी साहब जो उनसे है ना, वो सियासतदान नहीं है, वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना दिल में कीना मुनाफ़त रखने वाले। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो भी इख्तलाफात होने के बावजूद ने बोला ये शंघाई कॉन्फ्रेंस है, आना चाहिए। हाँ, उनको एक सिंपल सा क्या है उसे कि इनविटेशन दे दे कि आप हमारे मुल्क में से रोड बनाएं, रोड दिया इनविटेशन दे, रोड बनाएं, आप हमारे साथ इंगेज करें, हमारे साथ सी पैक पर इंगेज करें, आप हमारे साथ बाय सी पैक आप हमारे साथ अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आप आगे जाके कजाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन, वहाँ तक ट्रेड के लिए आपके पास आसान रास्ता, हम चीप रास्ता प्रोवाइड करते हैं। इस तरह आप उनको बुलाएं तो आएंगे, इस तरह नहीं है कि सर जी आप प्लीज़ आ जाए हमारे साथ दो चाय बिस्किट खा लें, तो इस तरह कोई नहीं आता। हाँ, ये बात आपकी हमारी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इस बात को रहने दें कि हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, बाकी मुल्कों से हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, सबसे पाकिस्तान, बस पाकिस्तान के आगे कुछ नहीं, पाकिस्तान आई लोग। नहीं, आप पाकिस्तान से मोहब्बत करें, बिल्कुल करें, आपको कोई रोक नहीं रहा, आपके दिल में भी मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए, मेरे दिल में भी मोहब्बत है, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए इंडिया से नफरत करना लाजमी है। नहीं, वो हमारे से नफरत करता है, आपने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान इंडिया से नफरत नहीं करता, इंडिया पाकिस्तान से नफरत करता है। मैंने तो बहुत सारी जगहों पर, ऐसी जगह पर देखा है, मेरा अपना एक बहुत अरसे पहले एक अजीज़ आया था, मैंने उसको बोला, मैं कहा यार हमारा पाकिस्तान, वो मोहल्ला मुसलमान था, मेरा रिश्तेदार था, इंडिया से आया था, कहता खबरदार इंडिया के बारे में कुछ नहीं कहना, तो क्यों? वो कहता मैं पाकिस्तान को यूँ कर दूंगा, हमारा बात चले। और हम लोग देखते हैं कि अपने ही घर में सफाइयों पर लगे हुए हैं, और बाहर हमारी जो होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन दूसरे मुल्क के बारे में बिल्कुल भी नहीं, खासकर इंडिया के बारे में, उनकी छोटी छोटी बरीकी हमारे पाकिस्तान की तरफ है, हमारे पाकिस्तान का उधर कोई रुझान नहीं, मैं माजरत के साथ कहता हूँ। देखिए, कुछ ना चीज़ें आपको ना क्लियर कट होनी चाहिए, अब ना आप रशिया को पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे तो लाजिम बात है आप मेहरान को मर्सिडीज से कंपेयर कर रहे हैं, तो फ़र्क ये है कि अगर आपने ब्रिक्स की बात करते हैं ना, तो ब्रिक्स एक अल्टरनेटिव है नेटो का, और पाकिस्तान को पहले भी कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि वो ब्रिक्स में जा पाए, ब्रिक्स में जाते बेहतर हालात होते हैं, हमारी जो नहीं कोशिश कर रहा था, न्यूट्रल हमारी पॉलिसीज नहीं हो सकती, क्योंकि हम थ्रू आउट हमारी 75 साल में हमने सिर्फ अमेरिका के ऊपर रिलाई की है, तो इट्स प्रिटी सिंपल कि हमारी कोई वर्थ ही नहीं है, हम बस एक क्या कहते हो प्यादे हैं हम अमेरिका का। हाँ, वो अलग बात है कि हम खुद भी बड़े मुनाफिक लोग हैं, अमेरिका भी दा लगा गए तो यानी समझने के बोला है कि भाई आप आओ शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है ना, अभी तक उनकी दफ्तर खारजा को भी इतनी तौफीक नहीं हुई कि कहने की जी हम आ रहे हैं, यस या नो की कोई आवाज़ नहीं, ठीक है, तो अपना दे दें, तो प्रिटी सिंपल है अमेरिका, इंडिया को इस वक्त क्या चाहिए, इंडिया के लोग लॉजिकल हैं, अब वो सोच रहे हैं अपने दिमाग से, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें अपना मुल्क बेहतर करना है, वो जा रहे हैं, उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान में जाके क्या करेंगे वो, हमारे खुद खाने के पैसे नहीं हमारे पास, हमारे मुल्क में आगे वो क्या करेगा, हर बंदे को ना एक दूसरे को, अब हम इंडिया को शौक रहे कि आप देखो हमारे से जो आप नमक लेते थे हमने उसकी एक्सपोर्ट बैन कर दिया आपकी तरफ, आओ चलो इंगेज करते हैं इस बात पे भी, नहीं लेते वो तो खुद प्रोड्यूसर बन गए, नहीं प्रोड्यूसर नहीं बन सकते क्योंकि हमारे पास खेड़ा माइन है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया नाउ,
कम नहीं है, बहुत कुछ है पाकिस्तान के पास, आप उसको ट्रेड के ऑप्शंस तो दें इंडिया को। इंडिया के साथ ठीक है जो भी हालात रहे हैं, आगे तो बेहतर करो ना, आपको अपने बॉर्डर सिक्योर करने, ना कि इनसिक्योर करने हैं। आपका अफगानिस्तान के साथ अच्छे भले ताल्लुकात है जब तालिबान की हुकूमत आई, अभी देखिए वर्स्ट तरीन हालात में, क्यों? क्योंकि अमेरिका की हम गुलामी करते हैं बैठ के। इस तरह कुछ भी नहीं चलता, कभी भी आप किसी के नीचे लगते हो ना तो नहीं चलता मुल्क। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निमरा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की तरफ से एक दावतनामा भिजवाया गया था, एक इनविटेशन भिजवाया गया था भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जिसमें कहा गया था कि अक्टूबर 15-16 को SCO मीटिंग है इस्लामाबाद के अंदर, तो आपकी शिरकत लाजमी होनी चाहिए। लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया भारत की तरफ से, किसी किस्म का हाँ या ना में जवाब नहीं दिया गया। लेकिन उसी के बरक्स रशिया को ये कंफर्मेशन दे दी गई है, रशिया को यस बोल दिया गया है। रशिया के अंदर 22 अक्टूबर को ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको कहा है कि हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, दोबारा विजिट होने वाला है रशिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी का। तो क्या पाकिस्तान की ये इंपॉर्टेंस है, क्या पाकिस्तान से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रशिया को दी गई है? इस अमल के बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या राय रखती है, क्या इनडायरेक्टली ये ना कहना है? आवाम से जानते हैं कि आवाम इस बारे में क्या रह रखती है, रिव्यूज लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखिए कुछ ना चीज़ें आपको ना क्लियर कट होनी चाहिए। अब ना आप रशिया को पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे तो लाजिम बात है आप मेहरान को मर्सिडीज से कंपेयर कर रहे हैं। तो फ़र्क ये है कि अगर आप ना ब्रिक्स की बात करते हैं ना, तो ब्रिक्स एक अल्टरनेटिव है नेटो का, और पाकिस्तान को पहले भी कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली कि वो ब्रिक्स में जा पाए। ब्रिक्स में जाते बेहतर हालात होते हैं। हमारी जो कूल लगा हुआ है ना इस मुल्क में, तो उसकी वजह से हम ना हमेशा प्रो अमेरिकन सोसाइटी में रहे हैं। अब हम निकल रहे हैं उससे, नहीं कोशिश कर रहा था, न्यूट्रल हमारी पॉलिसीज नहीं हो सकती क्योंकि हम थ्रू आउट हमारी 75 साल में हमने सिर्फ अमेरिका के ऊपर रिलाय किया है। तो इट्स प्रिटी सिंपल कि हमारी कोई वर्थ ही नहीं है, हम बस एक क्या कहते हो प्यादे हैं हम अमेरिका का। हाँ वो अलहदा बात है कि हम खुद भी बड़े मुनाफिक लोग हैं, अमेरिका भी दाल लगा गए। वैसे ये तो बात आपकी सच है, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या हम यहाँ पर इग्नोर हुए हैं कि हमारी बात का हाँ या ना में जवाब भी नहीं और रशिया को डायरेक्ट यस? डेफिनेटली आप अपनी इकोनॉमीज को कंपेयर कर लो, आपकी वर्थ नहीं है वर्ल्ड वाइड में, आपका वर्स्ट पासपोर्ट है, नंबर 3 पे आएगा, नंबर 4 पे है। तो इट्स प्रिटी सिंपल, आपके सामने सब कुछ फैक्ट्स पड़े होते हैं कि आपके साथ क्या चल रहा है। मैं भी अपनी बात कर लूँ, मैं पैशनेट हूँ अपनी इंजीनियरिंग को लेकर, लेकिन मुझे पता है कि मुझे इस मुल्क में कुछ नहीं मिल रहा है इस इंजीनियरिंग के नाम पे। हाँ कुछ फर्म्स हैं जो सपोर्ट कर रही हैं, तो मैं कल को ये पासपोर्ट लेके जाता हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। मुझे हर जगह वीज़ा रिक्वायर्ड है, मुझे हर जगह पहले उनका साल एक पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि हाँ जी मुझे एक वीज़ा अपना दे दें। तो प्रिटी सिंपल है, अमेरिका इंडिया को इस वक्त क्या चाहिए? इंडिया के लोग लॉजिकल हैं, अब वो सोच रहे हैं अपने दिमाग से, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें अपना मुल्क बेहतर करना है, वो जा रहे हैं, उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी है। वो पाकिस्तान में जाके क्या करेंगे? वो हमारे खुद खाने के पैसे नहीं हमारे पास, हमारे मुल्क में आके वो क्या करेगा? ये बताएं प्राइम मिनिस्टर मोदी वैसे यहाँ आएंगे या नहीं, हाँ ना में जवाब भी आएगा या नहीं? हाँ उनको एक सिंपल सा क्या है उसे कि इनविटेशन दे दे कि आप हमारे मुल्क में से रोड बनाए, रोड दिया इनविटेशन दे, रोड बनाए, आप हमारे साथ इंगेज करें, हमारे साथ CPEC पे इंगेज करें, आप हमारे साथ बाय CPEC आप हमारे साथ अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आप आगे जाके कजाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन, वहाँ तक ट्रेड के लिए आपके पास आसान रास्ता, हम चीप रास्ता प्रोवाइड करते हैं। इस तरह आप उनको बुलाएं तो आएंगे, इस तरह नहीं है कि सर जी आप प्लीज़ आ जाए हमारे साथ दो चाय बिस्किट खा लें, तो इस तरह कोई नहीं आता। ये तो बात वैसे आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कि अगर वो यहाँ पर आते हैं तो कुछ हम बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं? नहीं, उस वक्त तक नहीं रख सकते जब तक हमारे पास कोई पॉलिसीज नहीं होती। हमारे पास कश्मीर कोई पहले ले आते हैं, डेफिनेटली अब कश्मीर है, कश्मीरों को खुद पूछ लो कश्मीरी क्या चाहते हैं। खैर ये अलग एक टॉपिक है, हम अपने सिर्फ अभी मैसिव लेवल पे बात करें अपने मुल्क के बारे में। तो हर कोई ना अपने ओन इंटरेस्ट के लिए काम करता है, मैं इधर खड़ा हूँ, मेरी इंटरेस्ट होगा तो मैं खड़ा हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता वरना। तो इसलिए अगर देखा जाए ना तो अमेरिका को क्या कहते हैं, इंडिया को कोई हमारे अंदर इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा, हम उनको कुछ दिखा ही नहीं पा रहे। उनका नरेंद्र मोदी हमें आके कहता है कि हम इमरान खान हमें कहते हैं हमारे साथ इंगेज करो, उसने क्लियर कट कहा, उसने कहा कि हम किससे इंगेज करें। ये बड़ी फैक्ट वाली बातें हैं, तो इट्स ही
हर बंदे को ना एक दूसरे को, अब हम इंडिया को शो कर रहे हैं कि आप देखो हमारे से जो आप नमक लेते थे हमने उसकी एक्सपोर्ट बैन कर दिया आपकी तरफ, आओ चलो इंगेज करते हैं इस बात पे भी। नहीं लेते वो तो खुद प्रोड्यूसर बन गए। नहीं प्रोड्यूसर नहीं बन सकते क्योंकि हमारे पास खेड़ा माइन है। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया नाउ। आप पिंक सॉल्ट की बात कर रहे हैं, पिंक सॉल्ट लेता था डेफिनेटली। आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान कोई गैर कम नहीं है, बहुत कुछ है पाकिस्तान के पास, आप उसको ट्रेड के ऑप्शन तो दें इंडिया को। इंडिया के साथ ठीक है जो भी हालात रहे हैं, आगे तो बेहतर करो ना। आपको अपने बॉर्डर सिक्योर करें ना कि इनसिक्योर करने हैं। आपका अफगानिस्तान के साथ अच्छे भले ताल्लुक है जब तालिबान की हुकूमत आई, अभी देखिए वर्स्ट तरीन हालात में क्यों, क्योंकि अमेरिका की हम गुलामी करते हैं बैठ के। इस तरह कुछ भी नहीं चलता, कभी भी आप किसी के नीचे लगते हो ना तो नहीं चलता मुल्क। आपको लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी SCO मीटिंग में नहीं आते तो वक़्त रहेगी SCO मीटिंग की? अब मुझे SCO का सच मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि ये कोई नई चीज़ भी आ गई है, लेकिन कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये बेसिकली आपस के टाइज मजबूत करने के लिए होती है, वो किसी भी किस्म के टाइज हों। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान ने एक गवाह दी है, गवाह क्या थी उन्होंने खुद एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन स्टिल हाँ बेहतर होता डेफिनेटली। आपको इंगेज करना अपने बॉर्डर्स के साथ, जो भी मुल्क आपके साथ बॉर्डर लगा रहा हो ना आपको हमेशा उसके साथ इंगेज करना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, हमेशा वर्ल्ड में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है किसी भी किस्म की, तो उसमें इंडिया के भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सबसे पहले दावतनामा क्यों भिजवाया जाता है? जस्ट बिकॉज द इकॉनमी, दे हैव द रियली बिग इकॉनमी। आप उसकी इकॉनमी की बात करें, $3.1 trillion की इकॉनमी, ऊपर से 1.4 billion लोग वहाँ पे रह रहे, बिग मार्केट है वो, हर कंपनी चाहती है कि उनको हिट करें। हाँ बाइंग पावर उनके अंदर भी नहीं है, सोशल इशूज़ उनके पास भी हैं, लेकिन स्टिल वो इंगेज कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इकॉनमी, हमारे पास भी आवाम है लेकिन स्टिल चाहिए, हमें ज़रूरत चाहिए है बहुत सी चीज़ें। थैंक यू सो मच। असल में एक तो मोदी साहब जब से आए हैं ना ये इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी यानी डैमेज है, सही नहीं है। दूसरा हद से ज़्यादा उनमें मुतसबाजी है हिंदू, और क्योंकि मैं खुद मस्कत में 14 साल काम किया है इंडियन लोगों में, लेकिन बहुत ज़्यादा मुतसब रखते हैं पाकिस्तान के बारे में वो। और नंबर दो मोदी साहब जो उनसे है ना वो सियासतदान नहीं है, वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना दिल में कीना मुनाफ़त रखने वाले। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो भी इख्तलाफात होने के बावजूद ने बोला ये शंघाई कॉन्फ्रेंस है आना चाहिए। अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए, आपने बोला है कि वो लोग हमें पसंद नहीं करते, वो क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि इंडिया टूटकर पाकिस्तान बना। अब मैं उसकी मिसाल आपको ऐसे दूंगी, बांग्लादेशियों से हम कितनी नफरत करते हैं, पाकिस्तान की आवाम उनको अच्छा तो नहीं समझती ना, क्योंकि 71 में पाकिस्तान का पार्ट था वो पाकिस्तान से टूटे, तो ये एक नेचुरल सी चीज़ है। जब आपका वतन टूटेगा, जब आपकी सरजमीन टूटेगी तो आपके दिल में कुछ ना कुछ तो होगा ना। और दूसरी बात ये कि वो हिंदू हैं, वो जो भी हैं, देखिए मेरी बात सुने, ट्रेड तो 2019 में हमारी तरफ से बंद की गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है बहरहाल। लेकिन ये है कि मोदी साहब को ना जांचना बड़ा मुश्किल है, और जो कुछ उन्होंने गुजरात में मुसलमानों के साथ किया हुआ है, अब वो सियासतदान नहीं है यकीन जाने, सियासत क्या है? मैं कहता हूँ कि बहरहाल शायद वो भी उनका भी सुनता हो मीडिया, लेकिन वो पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को नहीं अच्छा लेते। इस दफा गुजरात से उनको पूरी 26 की 26 सीट्स मिली हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आप कह रहे हैं गुजरात में, तो गुजरात का तो उन्होंने स्ट्रक्चर बदल दिया है। गुजरात का कसाई कहा जाता है उसको, मुसलमानों का मर्डर किया हुआ हम कहते हैं जी उस बेस पे, लेकिन वो ये है अक्सरियत वहाँ हिंदुओं की है, ठीक है। और उस बेस पे ना, और जहाँ तक ये मोदी साहब का तलक है ना, अगर इनमें ज़रा भी कोई जैसे एक सियासतदान होता है अगर रियल उसके दिल में हो कि भाई हमें अपने एशिया में तल्लुकात अच्छे करने चाहिए पीपल ऑफ इंडिया या पीपल ऑफ पाकिस्तान के बारे में, लेकिन उनके दिल में ऐसा कोई उनके मन में नहीं है बस। अब अफगानिस्तान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, बांग्लादेश के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके इवन मुस्लिम कंट्री जो अरब कंट्रीज़ हैं UAE के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो भी तो मुसलमान है ना। देखें सऊदी अरेबिया तो कट्टर मुसलमान है ना, जिसको कहते हैं इस्लाम का गढ़ है, हमारे मुकद्दस मकामात वहाँ पर हैं, वहाँ पर शरीयत है, तो वो उनको अपना भाई बोलते हैं। हमारे साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, कोई तो वजह होगी, हमने कभी जानने की कोशिश की है कि इसके पीछे की क्या वजह है? ठीक है, कश्मीर वो कहते हैं जी कश्मीर हमारा टूट अंग है, लेकिन कश्मीर हम जब पाकिस्तान बना, हमारे मंदली जनाह साहब की भी डेथ हो गई, हम लोग अपनी ही टेंशनों में थे, उन्होंने हिंदुओं जैसी हरकत की, मुनाफ़ों जैसी अपनी फौज की चढ़ाई कर दी,
और उस वक्त से लेके अब तक मेन इशू मेन जिसे हम की थी? ये यानी कि इंडिया ने ना जब कश्मीर पे कब्जा किया, हम पाकिस्तानी या पीपल ऑफ पाकिस्तान उस वक्त बिजी थे, माइंड अपसेट था, ठीक है। फिर हमारे मंदली जना साहब की भी डेथ हो गई और यूएनओ में है कि वहाँ कहा गया कि भाई इलेक्शन कराओ और यानी पीपल ऑफ कश्मीर के लिए, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं। यही वजह है कि मोदी साहब, उनकी खारजा पॉलिसी भी हमसे बहुत तगड़ी है। हम लोग हैं कि अपने ही घर में सफाइयों पे लगे हुए हैं और बाहर हमारी जो होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन दूसरे मुल्क के बारे में बिल्कुल भी नहीं, खासकर इंडिया के बारे में। उनकी छोटी छोटी बरीकी हमारे पाकिस्तान की तरफ है, हमारे पाकिस्तान का उधर कोई रुझान नहीं। मैं माजरत के साथ कहता हूँ, सर मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि कश्मीर का मसला जो है वो बहुत वास्ट है, मैं इस पर बात नहीं करना चाह रही क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव भी इशू है और गूगल पर हर चीज़ मौजूद है कितनी तरक्की हुई है या कितनी नहीं हुई। तो कश्मीर को हम एक साइड पर रख कर बात करते हैं। बाकी अगर इंडिया की बात है तो देखें, हम आपको किसी पॉजिटिव चीज़ का पता है इंडिया की? इंडिया वाजपेयी साहब जब मियां साहब का दौरे घूमा था, वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए, काफ़ी इशू पे बात हुई भाई ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, फिर वाजपेयी साहब मियां साहब की भी घूमा चली गई, फिर नए सिरे से जैसे एक नया फिर नफरताना माहौल बन गया, फिर मोदी साहब आ गए, अब माशाल्लाह 5 साल तीसरी मरतबा नॉमिनेट हुए हैं। और हमारे पाकिस्तान की ये मैं कहूँगा बदकिस्मती है, यहाँ कोई टाइम पूरा करता ही नहीं, और प्राइम मिनिस्टर अगर बनता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आए थे तब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं थे, नवाज शरीफ के दौर में वो आए थे पाकिस्तान जी, आपको शायद याद होगी। नहीं, मोदी साहब पाकिस्तान नहीं आए, अटेंड करने आए थे वो तो मियां साहब की दावत पे आए थे ना, कह रही हूं ना आए थे, लेकिन ये है कि इन्हीं चीज़ों ने ना हमारे मुल्क को लूज किया है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता ही नहीं, तो मियां साहब ने अपने VIP गेट्स को पाकिस्तान बुला लिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि वहाँ जो कुछ भी है ना, वहाँ सारा कुछ इकट्ठे होके वहाँ की अपोजिशन गवर्नमेंट सब, हाँ जी, हमारी किस्मत बदकिस्मती हमारे पाकिस्तानियों की, हमें यहाँ नहीं, हमारे सियासतदानों को भी अपना मुफाद होता है, यकीन जाने। मैं ओपन ही ज़्यादा होना चाहता, तो सेंसरशिप भी शायद इन्होंने अब लगाई हुई है, लेकिन ठीक है ना। तो मियाँ साहब हमारे, इन्होंने बुलाया हमारी इंटेलिजेंस, मेरा खुद भांजा है आर्मी में है, ठीक है, तो उसने भी बताया कहता मामू हमें तो पता ही नहीं कि ये क्या, यानी कि मियाँ साहब ये वो। तो ये चीज़ें हैं कि जब अपना मुफाद आ जाए ना, हमारे बदकिस्मती से सियासतदानों में अपना ज़ाती मुफाद है, कोई भी लगा लें, मुल्की मुफाद नहीं है इनको, वहाँ कुछ भी है वहाँ मुल्की मुफाद पहले देखते हैं, ये हिंदू इंडियन, ठीक है, बड़े दुख से अपनी कंट्री से बहुत, जी जी बिल्कुल, उन्होंने अभी तक हमें जवाब नहीं दिया। हाँ जी बिल्कुल, जवाब नहीं दिया उन्होंने कि हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो बहरहाल इस वक्त जो कंडीशन है आपके सामने पाकिस्तान की, तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा कहना मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन ये कि इंसान अपने घर से ही तगड़ा होकर बाहर जाए ना फ्रेश होकर, तो हम तो अपने मुल्क में ही खलफशार का शिकार हैं, टेंशनों में गिरे। शहबाज शरीफ साहब ने उनको यानी समझने के बोला है कि भई आप आओ शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है ना। अभी तक उनकी दफ्तर खारजा को भी इतनी तौफीक नहीं हुई कि कहने की जी हम आ रहे हैं, यस या नो की कोई आवाज़ नहीं, ठीक है। तो बाकी ये है, मैं आपको सच कहता हूँ, मेन इशू इंडिया पाकिस्तान का नफरत कश्मीर है। उन्होंने चाहे जितने भी अथॉरिटी लेटर बनाए हुए हैं, लेकिन हमारे जब नुमाइंदे UNO में जाते हैं, जाके कहते हैं जी कश्मीर का मसला ऐसे ऐसे ऐसे, काश कोई घूमते हमारी भी पूरे 5 ईयर कंप्लीट करती तो मेरा ख्याल है सारा कुछ हो जाता। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया के अंदर कोई बड़ी मीटिंग हो, फॉर एग्जांपल दुबई के अंदर एक मीटिंग हुई थी COP28 के नाम से, वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को दावतनामा सबसे पहले पहुँचाया गया था, अभी रशिया ने भी उनको बुलाया, तो दुनिया की अहम तरीन मीटिंग्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी को दावत क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है कि एक तो वो उनकी यानी जिसे कह सकते हैं सबसे बड़ी गुड लक है, बार बार नॉमिनेट, बार बार माशाल्लाह वो आ रहे हैं। माशाल्लाह का लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे वो उनकी पीपल ऑफ इंडिया लेके आती हैं, जो बदकिस्मती से हमारी ऐसा नहीं है, यहाँ होता है जो हमारा विनिंग उसे कहीं और खुडे लाइन लगा दिया जाता है और वो हीरो बन के बैठे। तो पूरी ऑल वर्ल्ड को मैं सच कहता हूँ, 15-20 दिन पहले मस्कत से आया हूँ तो मेरे उमानी अरबाब ने मुझे बोला, हाँ जी, और इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पाकिस्तान की बाहर के मुल्कों में है कि यकीन जाने खुली किताब कसम से, ये लहदा बात है, हमारा मीडिया कुछ भी नहीं कर रहा, नेपरा शेपरा का ऊपर सेंसरशिप है। हाँ, और मैं भी इसलिए
प्री होके बोल रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी रिलेटिव इसी एजेंसियों में से हैं, वरना मेरी जगह कोई और होता क्लोज द माउथ रखता। लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ देखा जाता है कि वो चाय बनाने वाला है, उसने कोई उसकी एजुकेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है। एजुकेटेड तो खैर वो हैं नहीं, जिस तरह के देखें सर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए, एमए सियासियत, बेनज़ीर साहबा थी, उसके हमारे कई सियासतदान हैं, ये इमरान खान साहब, ये भी चाहे ये क्रिकेटर हैं, एमए सियासियत इनकी एजुकेशन है इमरान खान के लिए। उन्होंने अकेले ने हमारे पढ़े लिखे सियासतदान उनको पीछे छोड़ दिया। बहरहाल मोदी साहब ने, सही बात है, पता है क्या, वो लोग ना सबको साथ लेके चलते हैं। बदकिस्मती से हम लोगों में, हमसे मुराद अपने में आदमियों की बात करता हूँ, कि वो उन लोगों में ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कुछ करे। थैंक यू सर। हमारी तो बड़ी अहमियत है, हमारा पाकिस्तान मुल्क है, वो मोदी की इतनी अहमियत नहीं जो पाकिस्तान आ सके, उसके साले की इतनी औकात है जो पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को इसका, पाकिस्तान उसको इस काबिल समझता ही नहीं है। तो दावतनामा तो हमने भिजवाया है ना उनको। मोदी को तो इसका, मोदी को तो कोई इस काबिल समझता ही नहीं है। अगर इस काबिल हो मोदी तो अपने ही मुल्क में सही ना हो रहा है उसके, अपने मुल्क में देखो कितनी कत्लो गारत हो रही है, क्या कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पे आप देखो ना, रोज मैं देखता हूँ कि इंडिया में इतने बंदे कत्ल हो गए, मर गए, बांग्लादेश में उसने कैनमस का जो है हसीना वाजी ने जो काम किया और उसने नरेंद्र मोदी बगैरत ने उसको पनाह दी है वहाँ पे। पाकिस्तान के अंदर जो क्राइम्स हो रहे हैं, आपको पता है लेटेस्ट कौन सा क्राइम हुआ है? नहीं, पाकिस्तान की खबरें नहीं पढ़ते और आप इंडिया की खबरें पढ़ रहे हैं, इतनी नफरत है आपको? नहीं बताएं। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है ये गंगाराम के अंदर 5 साल की बच्ची का रेप हुआ है, पता है आपको? नहीं, पाकिस्तान का तो आपको पता ही नहीं। इसका अभी तक न्यूज पे आया ही नहीं, आप भी आज भी नहीं देखा। आया है, मैं आपको प्रूफ दिखा दूं, सिटी 42 ने कवर किया है इसको, दुनिया न्यूज ने कवर किया, एक्सप्रेस न्यूज ने। नहीं देखी है मैंने आज, पाकिस्तानी खबर आज की आप बात करी तो नहीं देखी है, आज की खबर नहीं आई है। नहीं आपने कह रही ना आज आपने देखी है, 3 दिन पहले की खबर। नहीं मैंने आज की खबर, पाकिस्तानी खबरों पे जरा फोकस किया करें ना, कितने जुर्म हम लोग कर रहे हैं। मुल्क में कोई जुर्म हो रहा है ना तो उसकी वजह भी तो आप देखे ना, क्यों हो रहा है, कारोबार नहीं है, महंगाई इतनी है, लोग जुर्म नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जुर्म अलाउ है, जब नहीं होगा, जब आपके पास खाने को नहीं होगा तो आप क्या करेंगी? हाँ ये बात है कि हमारी तो बड़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप इस बात को रहने दें कि हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, बाकी मुल्कों से हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं आपकी बात मान ली, इस्लामी मुल्क है हमारा, बस मुल्क तो बहुत से हैं वर्ल्ड में, सबसे पाकिस्तान, बस पाकिस्तान के आगे कुछ नहीं। नहीं वो आप मुहिब्बे बताना है, पेट्रियोट है, ठीक है आपको होना भी चाहिए, आप इस मुल्क में रहते हो, लेकिन मुझे ये बताएगा कि इम्पोर्टेंस किस लिहाज से है हमारी? हमारी इम्पोर्टेंस तो किसी लिहाज से भी देखी जाए तो नहीं है, क्योंकि जो हालात हैं उसमें तो कुछ भी नहीं है हमारे आगे। क्यों? ये आप देख नहीं रहे क्या हालात चल रहे हैं? आज देखें कारोबार बंद पड़े हुए, कई लोग बेचारे भूखे जो बैठे हैं, दिहाड़ीदार बंदे, वो क्या करेंगे, कौन जाएगा, मुझे बताएं। ये सारे उसको मोदी को दावत दे रहे हैं पाकिस्तान आने की, तो पहले अपने मुल्क को तो सीधा कर लो यार तुम लोग। तो उनके आने से मुल्क सीधा, देखिए उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे होंगे। हाँ उनको क्यों बुलाना क्यों चाह रहे हैं ये मैं, क्योंकि उनके बगैर जो SCO मीटिंग 8 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर हो रही है उसका कोई तुक नहीं रहेगा। बंद कर उसका कोई तुक, क्या मसला हो गया? सड़क पे जनानी खड़ी थी, क्या बोला इसने? एक मिनट यहीं पर ही रुकिएगा, पूछो ये भागने, ये कुछ सड़क छाप यहाँ पर लड़के खड़े हैं, एक मिनट इनके मुंह पर, क्या मसला है? इंटरव्यू देखने आया, पता चला जी किस पीछे से बकवास क्या की तुमने, मैं तुम्हारे मुंह पे ना, ये है पंजाब पुलिस के होनहार नौजवान जो हमारे रखवाले बने हुए हैं, औरतों के खिलाफ हरासमेंट को रोकते हैं, लेकिन ये खुद लड़कियाँ छेड़े हैं, इनकी नंबर प्लेट देखें आप, आपको क्लियरली दिख जाएगा ये पंजाब पुलिस है। आप बोलिएगा, आप ये कुत्ते हैं पाकिस्तान के, ये इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की, आए इसके आगे कुछ नहीं कह सकते ये इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की, बस इसके आगे कुछ कह ही नहीं सकते। इम्पोर्टेंस देख ली होगी, इसी वजह से हमें इनविटेशन नहीं दी जाती, ये करतूते करेंगे जा। उनको पता है ना कि पाकिस्तान जाके ये कुछ होना हमारे साथ, इस वजह से आते ही नहीं है। कौन सी इम्पोर्टेंस है आप बताएं? मोदी साहब को यहाँ बुलाया गया है, बुलाने की दावत दी गई है, क्योंकि उनके बगैर SCO मीटिंग का मकसद अधूरा है ना, क्यों दुनिया उनको इतनी इम्पोर्टेंस देती है ये बताएं। आपको पता है वो उसके सूबे ज़्यादा हैं इंडिया के, इस वजह से वो उसको देते हैं, हमारे सिर्फ 4 सूबे हैं, उनके कितने 22-23 सूबे हैं उनके, इसलिए उनको ज़्यादा देते हैं ना इम्पोर्टेंट, इस वजह से उसको बुलाते हैं कि भाई पाकिस्तान आओ, हालांकि हमारा बनता नहीं उसको बुलाना पाकिस्तान। क्यों?
भाई, जब एक दुश्मन मुल्क है जिसने आज तक कभी पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचा ही नहीं है। हमने सोचा उनके बारे में अच्छा? हम किसा सोचेंगे बताएं, हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। चार सूबे उनके पास, इतने सूबे। जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, जब हम उनके पांव धो के पी सकते हैं, तो फिर ये तो वो मुल्क के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनके साथ हमारी तारीख जुड़ी हुई है। इतनी नफरत, देखिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस वक्त। क्या इंडिया से नफरत? इतनी नफरत पाकिस्तान आई लोग नहीं, आप पाकिस्तान से मोहब्बत करें, बिल्कुल करें, आपको कोई रोक नहीं रहा। आपके दिल में भी मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए, मेरे दिल में भी मोहब्बत है, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए इंडिया से नफरत करना लाजमी है। नहीं, वो हमारे से नफरत करता है। आपने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान इंडिया से नफरत नहीं करता? मैंने देखा है आपका इंडिया पाकिस्तान से नफरत करता है। कैसे? आप किसी जगह भी देख लें, हर जगह देख लें, इंडिया पाकिस्तान से नफरत करता है। कैसे? हर जगह मैंने देखा है। मिसाल क्या? मैंने तो बहुत सारी जगहों पे, ऐसी जगह पे देखा है। मेरा अपना एक बहुत अरसे पहले एक अजीज आया था, मैंने उसको बोला, मैं कहा यार हमारा पाकिस्तान, उस मोहल्ला मुसलमान था मेरा रिश्तेदार था, इंडिया से आया था, कहता खबरदार इंडिया के बारे में कुछ नहीं कहना। तो क्यों? वो कहता मैं पाकिस्तान को यूँ कर दूंगा, हमारा बस चले। और हम लोग देखते हैं इनका बास टाइम को, उनकी खबरों में देखो ना, अगर इंडिया इतना अच्छा हो तो इंडिया में, कश्मीर में पाकिस्तान मुसलमान मरे। आप अगर कश्मीर बहुत आगे पहुंच गया सर, अगर आपको कश्मीर के बारे में कुछ भी जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं, मैं कश्मीर पर डिस्कशन नहीं करूंगी। और आपको किस बात का बुरा लग रहा है कि वो अपने वतन की साइड क्यों ले रहे हैं? वो इंडिया के मुसलमान भाई, उनका मुल्क इंडिया है, हमारा पाकिस्तान है बस। तो वो आपका पाकिस्तान है ना, मुहिब वतन रहे, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे? बस हर इंसान को, आपके सामने कोई इटालियन भी आएगा ना, आप अगर उसके मुल्क के बारे में बुरा कह रहे होंगे ना, वो कहेगा मैं यहाँ पे तुझे गाड़ के जाऊंगा, मेरे मुल्क के बारे में क्यों बुरा कह रहा है? मेरा पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं कहेगा ना। आप कहेंगे कि वो पाकिस्तान, इंडिया को उसको दावत क्यों दी जा रही है, मोदी क्यों नहीं आ रहा है यहाँ? क्या मसला है उनसे? तो फिर आप जाके उनसे पूछे ना, क्यों बुला रहे हो, क्यों नहीं आ रहे? देखे नहीं, वो नहीं आ रहा, कुछ सोच समझ के नहीं आ रहा होगा ना उसने, क्यों इसको रद्द कर दिया? जवाब नहीं दिया, नहीं अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया रशिया को। आ जाएगा जवाब, आप टेंशन ना ले, वो आ जाएगा। क्योंकि उसकी वजह पता क्या है, पाकिस्तान में ये हमारे माशाल्लाह जो इस टाइम बड़े बड़े वजीर सदर वगैरह बैठे हुए हैं ना, ये तरीके से आई बुलाई लेते हैं, और वो आ ही जाएगा, एंड टाइम पे आ ही जाएगा पाकिस्तान, आप देख लीजिएगा। भाई 15 को है ना, तो हो सकता है वो 13 की रात को यहाँ पर पहुँच जाए, 14 की रात को यहाँ पहुँच जाएगा वो। आप अच्छी बात है ना, वो अच्छी बात तो बाद में होगी, जब आएगा तब अच्छी बात होगी। ये है हमारे इम्पोर्टेंस के, रशिया को पहले हाँ कर दी गई है। हाँ, इसलिए को पाकिस्तान को कुछ समझते नहीं होंगे, इसलिए रशिया को पहले हाँ कर दी, उनका पाकिस्तान को कुछ समझ, दुनिया भी उनको न्योते दे रही है। अरे बात है, जब उसने पहले बहुत सारी जगहों पे ऐसी हरकतें कर दी हैं, अभी इनकार कर देगा तो क्या होगा? हरकतें की है वो, आप देखे, आप लोग देखे हैं ना भाई, मुझे पूछ रही है, देखे कि बहुत सारी रशिया जाते हैं, वो दुबई जाते हैं, वो सऊदी अरेबिया जाते हैं, वो यूक्रेन जाते हैं, पाकिस्तान नहीं आते बस वो। हाँ, तो उनको पता है ना पाकिस्तान है ही नहीं, पाकिस्तान में जाके करना है क्या, पाकिस्तान में वो चीज़ें ही नहीं है। हम तो आपस में ही आगे सदर वगैरह आपस में नहीं एक होके बैठते, तो वो फिर वहाँ के भी बैठेंगे। आपके दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत नहीं है? बिल्कुल है। फिर आपने इतना एंटी क्यों? पाकिस्तान 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 है सॉरी।